गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स का चलन बढ़ रहा है, जिसके सेवन से कम वर्कआउट से बॉडी पर जल्द ही बेहतर असर दिखता है। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हॉर्मोन्स में गड़बड़ी के साथ ही हार्ट, किडनी और लीवर पर बुरा असर डालता है। जानकारों की माने तो स्टेरॉइड से सबसे ज़्यादा 5 हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जिससे इंसान अपनी जान तक से हाथ धो बैठता है। यही वजह है कि कभी कोई डॉक्टर इसे लेने की सलाह नहीं देता। नंबर 1, शारीरिक परिवर्तन। अगर छोटी उम्र से ही स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो बौनापन की समस्या, हड्डियों का भुरभुरा होना आदि लक्षण होने लगते हैं। नंबर 2, बीमारियों को इनविटेशन काट देना। अच्छे वाले फैट में कमी और शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले फैट में बढ़ोतरी, नसों का सिकुड़ जाना, दिल का दौरा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाना। विशेषज्ञों की माने तो स्टेरॉइड्स कैंसर, ट्यूमर, खून से भरी छोटी छोटी गांठें, पीलिया और लीवर का बढ़ जाना जैसी समस्याएं पैदा करता है। नंबर 3, त्वचा रोग। चेहरे पर मुहासे, गांठ, सिर की त्वैलीय त्वचा, शरीर पर ढेर सारे लाल रंग के दाने निकलना स्टेरॉइड्स की ही देन है। नंबर 4, आज के युवाओं का अंदाजा है कि खान पान और रहन सहन खराब होने से जिंदगी आमतौर पर 50 से 60 वर्ष तक ही सिमट कर रह गई है। जिम करने वाले युवाओं को बताना चाहूँगी कि स्टेरॉइड्स, प्रोटीन्स आदि वहाँ के लिए जरूरी हैं जहाँ खान पान की वस्तुओं में विटामिन्स, प्रोटीन्स आदि न मिलते हों। आजकल स्टेरॉइड्स ही ज़्यादातर जिम संचालकों की कमाई का जरिया है। इससे उनके यहाँ सीखने के लिए आने वाले युवाओं की सेहत या जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। नंबर 5, स्टेरॉइड्स लेने से सिर दर्द की समस्या होने लगती हैं। स्टेरॉइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से गुस्सा आने लगता है। बाजार सस्ते और नकली स्टेरॉइड से भरा पड़ा है। बॉडी को वर्कआउट और देसी खान पान से 1 इंच बढ़ाने में 8 महीने का समय लगता है, जबकि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से 1.5 से 2 महीने में ही बढ़ जाती है। बहुत सारे ट्रेनर्स अपना जिम खोलकर सस्ते स्टेरॉइड्स की अधिक कीमत वसूल कर युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार बेहतर स्टेरॉइड्स भी अधिकता के कारण शरीर को अंदर से ही नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे युवाओं को हर 2.5 से 3 महीने में बॉडी चेकअप कराना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि बॉडी में किसी पार्ट को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा। स्टेरॉइड्स को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स पहले लेते थे और अब अपनी बॉडी को वॉशआउट कराना चाहते हैं, तो आप टीएक्सएन आरजी एनजीएल कैप्सूल्स का सेवन कर सकते हैं। यह कैप्सूल्स कैनोडर्मा हर्ब से तैयार किए गए हैं। यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।